मुस्लिम धर्म अपनी मान्यता के अनुसार हज और उमरा करने के लिए काबा जाते हैं। यहाँ पर आकर अपने रिचुअल्स को पूरा करना हर मुसलमान का सपना होता है। वैसे तो यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी रस्में होती हैं, लेकिन उन्हीं में से एक रस्म और भी है, यहाँ पर चांदी के फ्रेम में जड़े हुए काले पत्थर को चूमने की। लेकिन ये काला पत्थर क्या है जिसे मुसलमान भगवान के बराबर दर्जा देते हैं, और ये काबा में कहाँ से आया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। काबा एक मुस्लिम धार्मिक स्थल है। इसकी दीवार पर एक बहुत खूबसूरत काले रंग का पत्थर लगा हुआ है जिसे चांदी के फ्रेम में जड़वाया गया है। सभी मुसलमान हज या उमरा करने से पहले इस काले पत्थर को चूमते हैं और घड़ी के विपरीत दिशा में 7 बार चक्कर लगाते हैं। इस पत्थर का इस्लाम धर्म में बहुत महत्व है, जिसे देखकर हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि जो इस्लाम धर्म किसी पत्थर को पूजने से मना करता है तो फिर ये खुद इस पत्थर को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? आखिर इसके पीछे ऐसी कौन सी वजह है कि इसे छुए बिना या चूमे बिना इसकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है? तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल मुसलमानों का मानना है कि काबा का ये काला पत्थर जन्नत से आया है, इसे खुद अल्लाह ने पृथ्वी पर भेजा है। लेकिन इतिहासकार और उनकी किताबों का तो इस पत्थर को लेकर कुछ और ही मानना है। दरअसल कोई तो इसे धूमकेतु का एक टूटा हुआ हिस्सा मानता है और कोई कहता है कि ये चांद का टूटा हुआ एक छोटा सा टुकड़ा है। इस ब्लैक स्टोन के बारे में ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज तक भी इसके पीछे की सच्चाई के बारे में किसी को पता नहीं चला है। अगर मुसलमानों की मानी जाए तो फिर इस पत्थर की उत्पत्ति को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उनके धार्मिक पुस्तक कुरान में कहीं भी इस ब्लैक स्टोन का कोई भी जिक्र नहीं है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि इस पत्थर को पैगंबर के जाने के कुछ दिनों बाद बनाया गया होगा। इस काले पत्थर का जिक्र कुरान में न मिलकर केवल हदीस में मिलता है, लेकिन हदीस की बातों का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, क्योंकि हदीस में उन बातों को बताया गया है जो लोगों ने मोहम्मद साहब से सुनने का दावा किया है। इसी वजह से इसमें क्या सच है और क्या नहीं, इसे कोई नहीं बता सकता। हदीस में भी इस पत्थर को लेकर अलग अलग बातें हैं, जिसमें सबसे पहली मान्यता तो ये है कि जब पैगंबर इब्राहिम काबा को बना रहे थे तो दीवार में एक जगह गिर रह गई थी, जिसे भरने के लिए उसने अपने बेटे से कहा कि यहाँ पर कोई खूबसूरत सा पत्थर लगा दो। उसके बेटे ने पत्थर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा कोई पत्थर नहीं मिला। जब उसने वापस आकर काबा की दीवार की ओर देखा तो वहाँ पर एक सुंदर काले रंग का पत्थर लगा हुआ था। उसे देखकर वो हैरान हो गया और अपने पिता से पूछने लगा कि आपको ये पत्थर कहाँ से मिला, जिस पर पैगंबर इब्राहिम ने जवाब दिया कि ये पत्थर जन्नत से आया है, जिसे जिब्राहिल नाम के फरिश्ते ने लाकर मुझे दिया। तभी से ये पत्थर काबा की दीवार में लगा हुआ है और सभी मुस्लिम इसे पूजते हैं, यहाँ तक कि जब तक वो इस पत्थर को छू ना लें या इसकी तरफ इशारा करके अल्लाह अकबर ना बोल दें, उनकी तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। वैसे दोस्तों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि मक्का का ये काला पत्थर क्या है और मुस्लिम धर्म में इस काले पत्थर की क्या इम्पोर्टेंस है। वैसे आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे और इस्लामिक रिलेटेड फैक्ट और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।